नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। क्या है पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, आइए जानते हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है पुरी का एक हेरिटेज साइट के रूप में पुनर्विकास करना। इसके कुल अनुमानित लागत 3,200 करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के आसपास निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये निर्माण कार्य पुरी हेरिटेज कॉरिडोर योजना के तहत किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बता दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि इनसे अदालत का समय बर्बाद होता है। मामले में गुरुवार 2 जून को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। जगन्नाथ मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने के खिलाफ मामला उड़ीसा हाई कोर्ट में भी है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मंदिर के आसपास खुदाई और निर्माण कार्य से मंदिर को खतरा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 20 जून तक जवाब मांगा है। 22 जून को अगली सुनवाई होनी है। साथ ही कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि मंदिर के आसपास निर्माण कार्यों से अगर किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो इसके आंकलन के लिए सर्वे करें। हाई कोर्ट में फिलहाल मामला जारी है, उससे पहले समझते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है। ये योजना पहली बार 2016 में सामने आई थी, हालांकि इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत दिसंबर 2019 में हुई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि पुरी का एक हेरिटेज साइट के रूप में पुनर्विकास करना। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 में ओडिशा विधानसभा में प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर डिजाइन प्लान को अनुमति दी। उसकी कुल अनुमानित लागत 3,200 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट्स को कई चरणों में पूरा किया जाना है। इसमें शहर के पुनर्विकास के लिए 22 योजनाएं शामिल हैं। पहले चरण के काम के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत जिन जगहों का पुनर्विकास होना है उनमें श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन बिल्डिंग, 600 लोगों की क्षमता का श्री मंदिर रिसेप्शन सेंटर, मल्टीलेवल कार पार्किंग शामिल है। इसके अलावा भी कई भवन पूरी लेक मार्केट को रीडेवलप किया जाना है। अब जानते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट पर विवाद क्यों है। करीब 800 साल पुराना जगन्नाथ मंदिर पुरातात्विक धरोहर घोषित है, जिसका संरक्षण ASI करती है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष कानून यानी AMASR एक्ट के तहत नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी किसी भी पुरातात्विक महत्व की जगहों के आसपास विकास कार्यों के लिए हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी की मंजूरी देता है। ये असेसमेंट स्टडी 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के इलाके तक लागू होती है। जगन्नाथ मंदिर 43,301 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। वहीं NMA ने पिछले साल सितंबर में मंदिर के आसपास 75 मीटर के प्रतिबंधित जोन में कुछ निर्माण कार्यों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी इस आधार पर दी गई कि जन सुविधाओं निर्माण कार्य के तहत नहीं आती है। साथ ही प्रोजेक्ट का निर्माण ASI के निरीक्षण में होगा। इस पर ASI ने आपत्ति जताई है। निरीक्षण के बाद ASI के डायरेक्टर जनरल V विद्यापति ने प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई। 9 मई को उड़ीसा हाईकोर्ट से कहा कि संभावना है कि कॉरिडोर के लिए खुदाई कार्यों में पुरातत्व अवशेषों को नुकसान पहुंच सकता है। ASI ने बताया कि प्रतिबंधित और रेगुलेटेड इलाकों में निर्माण कार्य बिना जरूरी अनुमति के हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि निर्माण कार्य NMA की मंजूरी के तहत चल रहा है। इससे पहले फरवरी में ASI ने राज्य सरकार को लिखा कि वो पूरी श्री मंदिर के आसपास प्रोजेक्ट की समीक्षा करे। ASI के अलावा कई और संगठन समूहों ने निर्माण कार्यों पर आपत्ति जताई। इसमें पूरी के वकील एसोसिएशन, स्थानीय लोग, सिविल सोसाइटी भी शामिल है। उनका आरोप है कि मंदिर के 75 मीटर के दायरे में JCB जैसी भारी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। BJP सांसद भुवनेश्वर अपराजिता सारंगी ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि ASI द्वारा काम रोकने को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा गया था, इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील में कुछ याचिकाकर्ता इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण किया जा रहा है। बताया कि ये प्राचीन स्मारक अधिनियम की धारा 20A का उल्लंघन है, जो संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगती है।
उन्होंने कहा कि कोर्ट इसे जरूरी मानते हुए निर्माण कार्य बंद कर इसकी जांच का आदेश दे। इस पर ओडिशा सरकार ने कहा कि निर्माण कार्य नियमों के मुताबिक और आम श्रद्धालुओं के हित में है। राज्य सरकार की ओर से वकील जनरल अशोक कुमार परिजा ने कहा कि लाखों लोग हर साल रथ यात्रा के मौके पर इस छोटे शहर में आते हैं। उन्होंने बताया हजारों श्रद्धालु रोज यहां दर्शन करने आते हैं, उनके लिए ही जरूरी सुविधाओं का निर्माण हो रहा है, कोई निजी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पेज 21, आपके हक की बात।